अब एक प्लेट में केला लिए हैं, इसको पहले एक चाकू से छिलका उतार लेंगे। अब छिलका को हटा लेते हैं, केला के भी स्लाइस में काटेंगे। एक हमारा केला था, लंबे लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। दो आलू छिलका उतार के वॉश करके ले लिए हैं। अब एक ग्रेटर लेंगे, ये बारीक वाला ग्रेटर है, इसी पर घिस लेंगे। अब हमने आलू को ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें एक कप बेसन डाल देंगे। अब इसमें आधा कप बारीक वाली सूजी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बेसन से भी बना सकते हैं। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, तीन हरी मिर्च को बारीक कर लिए हैं इसको इसमें डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डेढ़ कप पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मीडियम फ्लेम पे पैन को रख दिए हैं। अब उसमें दो टेबल स्पून तेल डाल देंगे। अब इस पे बैटर को डालेंगे। केले के लिए लंबा बैटर डालना चाहिए। अब इसके ऊपर केले को स्लाइस के रख देंगे, इसके ऊपर फिर से बैटर गिरा देंगे। चारों तरफ से बिल्कुल इसको पैक कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी तैयार करेंगे। अब नीचे के साइड से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको पलट लेते हैं। अब नीचे के साइड से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, केले के पकौड़े बना के गर्मा गर्म तैयार कर लिए हैं, एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब आपको काट के भी दिखाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉस या हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको केले के पकौड़े की रेसिपी आपको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।